मोदी जी जो है हमारे गांव में आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज राइड विद किक। तो भाई साहब, आपको अगर बता दूँ, आज बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए, क्योंकि मोदी जी जो है हमारे गांव में आ रहे हैं। सो अभी फ़िलहाल उनका जो टाइमिंग है गांव में आने का, वो लगभग 1 बजे के आसपास आने वाले हैं। तो आपको अगर बता दूँ, तो अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ जहाँ पर वो आने वाले, तो वहाँ का देखने के लिए कि कैसा सिचुएशन है अभी। उसके बाद अगर टाइम मिला तो मैं फिर जाऊँगा जब मोदी जी आएंगे। कार निकल चुकी है और अब यहाँ से बस आगे बढ़ना है। यहाँ पे अभी से ही पूरा भाजपा का झंडा वगैरह लग गया है, मतलब आप देख रहे हो हम लोगों को रॉन्ग वे से छोड़ा जा रहा है, क्योंकि जाने के लिए इस तरफ से रास्ता है, बट ये रास्ते को ब्लॉक किया गया है और यहाँ से छोड़ रहे हैं। तो अभी देख रहे हैं हम लोग आगे जाके क्या सिचुएशन है। तो गाइस, ये जो दिख रहा है, ये जो एरिया, ये हमारे यहाँ का रेहटी अस्पताल है। मतलब एक्चुअली आप लोगों को बता दूँ तो ये है गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमारे गांव का, जो कि जैसा मुंबई में होता है, बीएमसी में हम लोग जाते हैं, सारा ट्रीटमेंट जो है सस्ते में हो जाता है, तो वैसे यहां पर भी है। तो ये चीज़ अच्छा लगा देखकर कि गांव में भी अब बीएमसी अस्पतालों की सेवाएं मिल रही है। लोग देख रहे हो बहुत सारी बसेस खड़ी है और यहां पर लोग भी बहुत सारे खड़े, जो लोग ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सब बस में बैठ कर जाने वाले मोदी जी को देखने के लिए और उनकी भाषण सुनने के लिए, मतलब उनका स्पीच सुनने के लिए। तो मतलब देख रहे हो यार, यूपी में मोदी जी का कितना क्रेज है। यहाँ पे तो मतलब बस यही है कि मोदी है तो मुमकिन है, वही वाला सीन देखने मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है यार यहाँ पर, तो वो हिसाब में लोग बहुत अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो आप रूट देख रहे हो, ये जो साइड से रूट आ रहा है, ये त्रिलोचन महादेव से होते हुए आ रहा है। अभी हम लोग बाईपास से आ रहे थे, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब कितना ज़्यादा पुलिस वाले लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जस्ट चेकिंग है, मतलब कि यहाँ से आप एंटर कर रहे हो, अब ये एरिया में जो है मोदी जी आने वाले हैं थोड़ा सा आगे जाकर, तो यहाँ से ही इतने सारे पुलिसकर्मी लगे हुए हैं उनके सेफ्टी के लिए और साथ ही साथ हम लोगों की सेफ्टी के लिए भी। इस तरफ में खेत में पूरे के पूरे पार्किंग वगैरह भी है, देख रहे हो, और यहाँ पर भी बहुत सारे पुलिस वाले लगे हुए हैं। और आई थिंक सो यहाँ पे जो है चेकिंग हो रहा है या कुछ तो हो रहा है, सो थोड़ा आगे बढ़ते पता चलेगा। यहाँ पे देखो, मतलब कि ये ग्राउंड को एज अ पार्किंग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे पूरा। तो इस तरफ से हम लोगों को रूट जो है ये कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, मतलब यार एक एक मीटर पे लगा दिया है, इतने सारे पुलिस वाले लगे हुए हैं यहाँ पर, और कमांडो भी लगे हुए हैं अपने एनएसजी के। और यहाँ पे पूरे न्यूज़ रिपोर्टर्स वाले आ चुके हैं, यहाँ पे अगर दिख रहा है तो। और मुझे लग रहा है कि यही जगह है जहाँ पे मोदी जी आने वाले, और ये सामने पंडाल जो दिख रहा है यहाँ पर ही मोदी जी आने वाले हैं। और ये होल्डिंग्स देखो, ये सब बहुत जल्दी लगा हुआ है, मैं एक दो दिन पहले आया था, ये सब कुछ नहीं था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये भीड़ भड़ा के न्यूज़ रिपोर्टर वाले सब यहाँ पर आए हुए हैं, और इस तरफ में भी पूरा का पूरा देखो ये लगा हुआ है। आगे के साइड में इस तरफ में पार्ले कंपनी है, यहाँ पे भी इतने सारे पुलिसकर्मी खड़े, मतलब यार देख के ऐसा लग रहा है कि इतने सारे पुलिस वाले खड़े हैं। 1, 2, 3, ये 4, ये 5, मतलब कि ये लाइन से जितनी बस जा रही है इस वक्त यहाँ से, अभी आगे भी आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे आ रहा है, ये देखो 6, मतलब कि जितने भी बसेस जा रही है ये सब वहीं पे जा रहे हैं जहाँ पे अमूल डेयरी, मतलब कि अमूल दूध का उद्घाटन करने के लिए मोदी जी आने वाले, सो वहाँ पे ही जा रहे हैं। तो मतलब आसपास के जितने लोग हैं सब के सब आ रहे हैं यहाँ पर। तो देख रहे हो यार, मतलब मोदी जी के फैंस इतने सारे हैं, इतना ज़्यादा क्रेज है मोदी जी का यूपी में, कि लोग मतलब दूर दूर से आ रहे हैं यार सिर्फ उनकी एक झलक देखने के लिए। और लिटरली मैं भी मतलब बहुत खुश हूँ कि आज हमारे गांव के पास ही आने वाले हैं। सो अगर देखने मिला तो मैं ज़रूर जाऊँगा, ऐसा नहीं है कि नहीं जाऊँगा, जाऊँगा, उनको देखूँगा, भले ही दूर से देखूँगा बट देखूँगा ज़रूर। सो गाइस, अभी हम लोग जब जा रहे थे तो यहाँ बहुत सारे पुलिस वाले खड़े थे, हमसे इन्होंने 24 का पाना मांगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गया कि ये ट्रक बंद हो गई है पीछे वाली, इन्होंने शायद से ना अभी क्रेन भी चेंज किया है, पहले छोटा क्रेन था ये ट्रक को उठाने में, वो क्रेन ही उठ जा रहा था। वो जो ट्रक है वो पूरा फ्यूल से भरा हुआ है,
तो एज अ सेफ्टी, मतलब कि सेफ्टी रीजंस के वजह से सीन क्या हो रहा है कि वो लोग वो ट्रक को वहाँ से रोड से हटाना चाह रहे हैं, बट वो ट्रक जो है पूरी तरह से जाम हो गया है रोड पे, हिल ही नहीं रहा है। मतलब मेरे सामने की बात है, उन्होंने मुझसे पाना लिया 24 नंबर का, अभी हम लोग जब जा रहे थे तभी। मैंने रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कुछ प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने कैमरा वगैरह सब गाड़ी में ही रखा था। बट उनको मैंने 24 नंबर का पाना दिया और उन्होंने कुछ तो किया, लेकिन फिर भी हुआ नहीं। उनका जो आगे छोटा क्रेन था वो ऊपर उठ जा रहा था, ट्रक को खींच नहीं पा रहा था, बट अभी उन्होंने शायद से बड़ा क्रेन लाया है तो मे भी हट जाए वो, क्योंकि सबके सब बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहे थे कि वो हटाना है कैसे भी। तब भीड़ एकदम बढ़िया तरीके से हो चुका है और अभी से सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे बाद मोदी जी आने वाले। इस तरफ में आपको शायद ही दिख रहा होगा, मतलब कि ये रोड थोड़ा हाइट पर है, बट यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है वो वाइट कलर का पूरा पंडाल बना हुआ है, तो वही पंडाल में आने वाले। और यहाँ पे बेसिकली इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो न्यू, मतलब जो हम बोलते हैं कि बेसिक, जो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हम लोग न्यू लगाते हैं, तो वो न्यू लगाने के लिए आने वाले हैं। अमूल दूध का मतलब कि कुछ फैक्ट्री वगैरह खुलने वाला है यहाँ पर, जिसके उद्घाटन के लिए वो आ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे उनकी सेवा में इतने सारे पुलिसकर्मी, इतने सारे लोग, मतलब कि जितने लोग मोदी जी से प्यार करते हैं सब के सब यहाँ आपको मिल जाएंगे। बाकी यार ये चीज़ देख के तो लग रहा है कि मोदी जी का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, मतलब कि ये समझ लो कि 5,000 से ज़्यादा बस खड़ी है और 4-व्हीलर भी बहुत सारी खड़ी है, 2-व्हीलर तो पूछो ही मत, 10,000 से ज़्यादा 2-व्हीलर खड़ी होगी। मतलब कि जो क्राउड देख के लग रहा है, ये बाहर जितने दिख रहे हैं वो कम है, बाकी सब अंदर जा चुके, सुबह से जाके बैठे भाई, क्योंकि सब लोगों को ये है कि मोदी जी को देखना है, तो लोग मेरे को तो लगता है कल से ही जाके बैठे होंगे। बाकी मैं अभी फ़िलहाल घर जा रहा हूँ और क्या है कि यहाँ पे कार वगैरह लगाना थोड़ा सेफ नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा घर जा रहा हूँ, वहाँ से बाइक उठाऊँगा और फिर वापस आऊँगा, कैमरा वगैरह रख दूँगा, सब मोबाइल से शूट करूँगा। बाकी आपको दिखाता हूँ मोदी जी आएंगे तो बाकी क्या कैसा रहता है, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो गाइस यहाँ पे मोदी जी आ चुके हैं, बट हम लोग थोड़ा सा हो गए लेट। और यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग वापसी भी कर रहे हैं, मतलब शायद जगह नहीं मिली इनको या जो भी, बट हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, इसकी वजह से यार अब टेंशन आ रहा है। यहाँ पे बहुत बड़े ग्राउंड में, मतलब बहुत ही बड़ा ग्राउंड है ये, कम से कम 7-8 हज़ार बसें आई है और आदमियों की तो भाई जनसंख्या पूछो ही मत, 1.5 लाख 2 लाख लोग हैं, 5 लाख से तो कम नहीं है भाई, 5 लाख से ज़्यादा ही लोग हैं इधर। भाई यहाँ पे देख रहे हो हम लोग सबसे पीछे बहुत दूर तक लोग बैठे हुए हैं, बहुत दूर तक, वो भी नहीं दिख रहे कि बोल कहाँ से रहे अपने मोदी जी, दिखाई भी नहीं। त्रिलोचन महादेव की, माता शीतला चौकिया देवी की, वाराणसी के इस पिंडरा क्षेत्र के लोगन के प्रणाम करत हैला। पड़ोस के जिला जौनपुर के सब बंधु एवं भगिनी लोगन के भी प्रणाम। देख रहे हो गर्दी, देख रहे हो दूध खरीदे तो कौन सा सुरक्षित है, इसकी पहचान सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल हो। प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक तरीके से खेती होती थी, प्राकृतिक खेती यानी खेती में कोई बाहरी लौंग लता इन सबका स्वाद और बढ़ जाएगा। मोदी जी जो है वो वहाँ पर खड़े हैं, हम लोग अभी आगे तक गए थे, जितना आगे जा सके जाके रिकॉर्ड किया, बट यहाँ से आराम से देख सकते हो कि जो भी बोल रहे हैं यहाँ से एकदम क्लियर कट दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो आसपास कोई भी नहीं है, मतलब ये जगह खाली है, आराम से यहाँ से हम लोग देख सकते एकदम बढ़िया तरीके से अपने मोदी जी को। और भाई बढ़िया